कार्यकर्ता लोग हैं मुजफ्फरपुर के जो टीम बन के वो लोग ही करते हैं और गरीबों को पकड़ के गरीब बच्चों से 1860 रुपए कलेक्शन करवाते हैं। ये मेरे दरभंगा की बात नहीं है सर, ये सीतामढ़ी की बात है, सीवर की बात है, मोतिहारी की बात है, वैशाली की बात है, ये मधुबनी की भी बात है। दरभंगा में जनसाथी फाउंडेशन संस्था पर छात्रों ने लगाया गंभीर आरोप। दरभंगा के महिला थाना क्षेत्र के गेहूमी के पास स्थित जनसाथी फाउंडेशन के विद्यार्थियों ने संस्था पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि फाउंडेशन के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के नाम पर पैसा लिया गया लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। इसी दौरान जब छात्रों ने पैसा वापस करने की मांग की तो संस्थान के मालिक के द्वारा छात्रों से बुरा बर्ताव किया गया। वही यह भी देखा गया है कि जनसाथी फाउंडेशन अपना नाम बदलकर संस्थान चला रहा है। ए उनके कार्यकर्ता लोग हैं मुजफ्फरपुर के जो टीम बन के वो लोग ही करते हैं और गरीबों को पकड़ के गरीब बच्चों से 1860 रुपए कलेक्शन करवाते हैं सर। ए मेरे दरभंगा की बात नहीं है सर, ये सीतामढ़ी की बात है, सीवर की बात है, मोतिहारी की बात है, वैशाली की बात है, ये मधुबनी की भी बात है सर। इन्होंने सर चंदन यादव ने मुझसे अलीनगर में 17-14 को सेंटर खोलवाया, एक भी टीचर ने सर को पेमेंट भी नहीं दिया, इसलिए मैं उनके ऊपर कार्रवाई की कि मेरा टीचर को पेमेंट कीजिए, इसलिए वो मुझे बोला कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है। और एक वीरेंद्र पासवान ईशा कुमारी है जो हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहा है, वो लोग शायद क्या कहते हैं सुंदरपुर में ऑफिस खोले हैं, दरभंगा में कहीं सुंदरपुर है, सुंदरपुर में वो लोग ऑफिस खोले हैं और सभी को बोलता है कि जाइए डोनेशन वापस लीजिए और यही सब हम लोग को बहुत टॉर्चर करवाते हैं सर, इसलिए आपको बुलाया गया। बाय फोन या मैसेज? इसकी सूचना आपने थाना को आवेदन दिया? सर अभी हम जा ही रहे थे क्योंकि हम 9 तारीख के नाइट में लौटने किए हैं और 10 तारीख से कुछ विधि व्यवस्था बैनर इतना देर से आप कुछ नहीं किए, कल लौटे आज की जगह सब कुछ सही ना, 4 महीना संस्था चल रही थी, 1.5 महीना से गए थे दिल्ली, गए थे सर, तुम कैसे दिल्ली से कैसे प्रोसेस कर रहे हो? इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल, हज उमराह ज्यारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज, सऊदी एयरलाइंस 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज, सऊदी एयरलाइंस 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज, सऊदी एयरलाइंस 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज, सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाई बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम यह है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी, 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारे और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी को इन्वॉल्व।